लोड शेडिंग से जान छुड़ाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। रजा भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरी पूरी दिन लाइट नहीं होती न्यू कराची में, तो सुबह से लेके सुबह तकरीबन 2 दिन पहले लाइट गई थी सुबह 4 बजे और तकरीबन रात को 8 से 9 बजे के करीब आई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन पांचों पंखे चलते रहे, मोबाइल भी मैंने चार्ज किए इस इन्वर्टर से, लैपटॉप भी चार्ज किया मैंने और पेडिस्टल फ़ैन भी चलाया रात को 9 बजे तक के। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरी ज़बरदस्त चल रही थी। रात को 9 बजे पर लाइट आई तो बैटरियों में थोड़ी चार्ज कम हो गई थी, तो ये देसी चार्ज। अस्सलामुअलैकुम रज़ा भाई, मैंने अपने घर में एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। ये मैंने 2 कंट्रोलर लगाए हुए हैं, ये एक कंट्रोलर 2 कमरों के लिए है, ये अलग कंट्रोलर 2 कमरों के लिए है। सबसे पहले आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, ये मैंने इसके साथ ब्रेकर लगाया हुआ है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। ये ब्रेकर मुझे पड़ा है 200 रुपये का, ये मैंने न्यू परचेज़ किया है। ये चार्ज कंट्रोलर मैं अभी लेके आया हूँ तकरीबन 1 महीना पहले, ये मुझे 1000 रुपये का 30 एम्पेयर का पड़ा है। ये मैंने 1200 रुपये का लिया था 1 साल पहले। ये ब्रेकर मैंने तकरीबन 150 रुपये का लिया है जुम्मा बाज़ार कबाड़ी बाज़ार से। इसके साथ ही मैंने ये इन्वर्टर लगाया हुआ है 1500 वाट का जो मुझे सदर से 1500 रुपये का मिला था। इससे मैंने सिर्फ 2 वायरें ली हुई है जो मैंने 4 कमरों में लगाई हुई है, सिर्फ एक एक सॉकेट। कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मोबाइल चार्ज या लैपटॉप चार्ज या पेडिस्टल फ़ैन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। 4 कमरों में मैंने ये लगाया हुआ है सॉकेट। मैं आपको सोलर पैनल दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने 4 पैनल लगाए हुए हैं, 3 मोनो और 1 ये पॉली। वो सामने जो आपको 2 नज़र आ रहे हैं ये मुझे 4800 रुपये के 170 वाट 4800 रुपये का एक मिला था। ये मैं लेके आया, ये तकरीबन 15 दिन पहले मैं लेके आया हूँ, ये मैं लाया था 9 महीने पहले, ये मुझे पड़ा था 6100 का। ये पॉली प्लेट ये मैं 6200 रुपये की लाया था, लेकिन आजकल ये सस्ती है, यहाँ सिंधी होटल न्यू कराची से 5000 रुपये की मिल जाती है। इसकी वायरिंग मैंने नीचे से पाइप के ज़रिए से ला के मैं आपको दिखाऊं, इस पाइप के ज़रिए से मेरे रूम में जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये सोलर की वायरिंग है, मैंने 6 mm की वायर यूज़ की है इस चैनल पट्टी से ये होते हुए कंट्रोलर में, और कंट्रोलर सिर्फ बैटरी में आ रही है। ये दूसरी चैनल पट्टी मैंने लोड के लिए इस्तेमाल की है ऊपर कमरे के लिए। ये AC है जो इन्वर्टर से जिसकी वायरें आ रही है। मैं बैटरी की आपको प्राइस बताऊं, ये मैंने अभी 1 महीने पहले ली है तकरीबन 7800 रुपये की, AGS की 100 एम्पेयर की बैटरी है। ये मैं 1 साल पहले लाया था तकरीबन, ये मुझे पड़ी थी 7600 रुपये की। ये ओसाका की 50 एम्पेयर की जो स्पेयर में मैंने रखी हुई है, ये जनरेटर की बैटरी है, ये मुझे पड़ी थी 3200 रुपये की। इसके साथ ही मैंने देसी चार्जर लगाया हुआ है जो रात के टाइम अक्सर बाज़ औक़ात में यूज़ करता हूँ, ये मुझे 1400 रुपये का पड़ा था। क्लेम मीटर भी मैं लेके आया हूँ, ये 2900 रुपये का मुझे सदर से ये मिला था। इन्वर्टर की मैं आपको प्राइस बताऊँ, ये 1500 वाट का सदर से मुझे 1500 रुपये का मिला था। इसके साथ ही रज़ा भाई मैं आपको बताता चाहूँ कि ये 6 mm की वायर मैंने सोलर प्लेटों के लिए यूज़ की है जो कि बहुत ही बेहतरीन वायर है। ये 4500 रुपये पर फीट के हिसाब से मुझे पड़ी है सिंगल में, और पूरे घर में मैंने ये प्योर कॉपर की वायर यूज़ की है। ये 4 mm बता के मुझे दी थी ऑटो वायर जो कि 2500 रुपये पर फीट के हिसाब से एक सिंगल वायर ये मुझे पड़ी थी, लेकिन मैं पूरा कॉइल लेके आया था 700 रुपये का एक कॉइल, जिसमें 100 फीट वायर होती है 33 मीटर तकरीबन। तो मेरे पूरे घर में 4 कॉइल लग चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको अपने कमरे का लोड बताता हूँ। जिस पूरे घर में मैंने 5 पंखे लगाए हुए हैं, 4 सीलिंग फ़ैन है और 1 पेडिस्टल फ़ैन है। ये मैंने ऑर्नेट कंपनी का फ़ैन लगाया हुआ है जो मैं आपको सोलर पे चला के दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन पंखा है। ये मुझे मिला था यहाँ नाला स्टाफ से, न्यू कराची नाला स्टाफ से, ये मैं लेके आया था 3700 रुपये का आज से 1 साल पहले, जो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। इसके साथ मैंने एक लाइट लगाई हुई है LED लाइट, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। इसका मैंने कवर उतारा हुआ है, ये इसका कवर है, इसके बगैर ये बहुत तेज़ है। पंखा आप देख सकते हैं,
नीचे रूम के लिए भी मैंने ये चैनल पट्टी लगाई है, जो यहाँ से होते हुए आपको बाहर दिखाता हूँ। यहाँ से होते हुए ये नीचे जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको दूसरे कमरे का लोड दिखाता हूँ। ये एक एलईडी लाइट लगाई हुई है मैंने। इसके साथ ही मैंने ये अलशेर कंपनी का एक फ़ैन लगाया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे तो पसंद नहीं आया क्योंकि ये काफ़ी स्लो है, लेकिन एक साल हो गया ये मैं लेके आया था 3500 रुपये का बिस्मिल्ला मार्केट से। तो मेंशन करता चलूँ, जो प्लेट में लेके आया हूँ 2 प्लेटें 170 वाट की, वो 4800 रुपये की मुझे बिस्मिल्ला मार्केट न्यू सब्ज़ी मंडी के करीब से मिली है। क्या आप पंखा देख सकते हैं, इसकी हवा काफ़ी स्लो है, पंखा भी स्लो है, जो मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। और जो मैंने आपको दिखाया था इन्वर्टर, एक रूम में ये एसी ये सॉकेट दिया हुआ है मैंने अलग से। तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, नीचे का लोड दिखाता हूँ आपको। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये नीचे का रूम है मेरा, ये फ़ैन मैंने लगाया हुआ है शहजाद वज़ीर कंपनी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन पंखा है ये। मैं आपको दिखाऊँ, एक ये एलईडी लाइट लगाई हुई मैंने, जो मैंने एसी का मैंने एक सॉकेट यहाँ भी लगाया हुआ है इन्वर्टर का, जो मैंने आपको बताया था पहले। फोकस नहीं हो रहा, ये इन्वर्टर का सॉकेट है, चारों कमरों में मैंने लगाया हुआ है। ये एसी का एसी यानी कि जो फ़ैन में जो एसी है ये डीसी है। ये पंखा आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पंखा है ये। ये मुझे पड़ा था बिस्मिल्ला मार्केट से 3950 रुपये का। इसका डब्बा है ये, ये 2.5 एम्पीयर लेता है। ये लाइट आपको दिखाता चलूँ, ये काफ़ी तेज़ है, लेकिन ये तकरीबन 2 एम्पीयर की जो है ना ये लाइट है भी बहुत तेज़। इसके मैंने कवर उतारे हुए हैं। इसके साथ ही मैंने एक दूसरी लाइट लगाई हुई है बाहर हॉल में, आप देख सकते हैं। एक ये लाइट लगाई हुई है छोटी, ये बाथरूम में लगाई हुई छोटी लाइट, इसमें मैंने ये सिल्वर की वायर यूज़ की है, इसका इतना लोड नहीं था। इसी तरह ये भी शहजाद वज़ीर कंपनी का है, लेकिन ये फ़ैन मैं भी कुछ दिनों पहले लेके आया हूँ, 15 दिन पहले। ये थोड़ा स्लो चल रहा है, ये मुझे 4200 रुपये का मिला था बिस्मिल्ला मार्केट से। इसके साथ ही मैंने ये LED लाइट लगाई हुई है एक, ये 180 रुपये की मुझे न्यू कराची डी का मोड़ से मिली थी। ये सॉकेट जो आपको बताया था इस कमरे में मैंने लगाया हुआ है एसी का, ये डीसी का सॉकेट लगाया हुआ है। ये लाइट का, ये एसी फैन, ये डीसी, जो एक ही इसमें कनेक्शन मैंने दिए हुए हैं। ये इन्वर्टर की जो है ना अलग से मैंने सप्लाई दी हुई है इसमें। ये डीसी पंखे के लिए मैं आपको दिखाऊँ, ये डीसी पंखा है और नेट कंपनी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन पंखा है, 2.2 एम्पीयर ये लेता है। ये मैंने न्यू कराची सिंधी होटल से लिया था 2700 रुपये का, आज से एक साल पहले, जो अभी तक बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। ये ऊपर से वायर आ रही है जो मैंने आपको दिखाया था, ये होते हुए मेरे इस कमरे में और फिर उस कमरे में ही जा रही है। इसके साथ ही रजा भाई एक मैंने ये छोटा सा फ़ैन लगाया हुआ है, ये भी बहुत बेहतरीन हवा देता है,
नहीं, 2 एम्पेयर का है ये, मुझे पड़ा था 500 रुपये का। सलाम वालेकुम रज़ा भाई। रज़ा भाई, आपने बोला था कि इसके प्राइस बताना, तो आपको बताता जाऊं कि पूरे घर में मैं 5 पंखे, 4 सीलिंग फ़ैन और 1 पेडिस्टल फ़ैन और 5 LED लाइट्स, इसके अलावा तकरीबन 5 छोटी लाइटें लगी हुई है। मैं इसके प्राइस बताता हूँ। एक फ़ैन मुझे मिला था 3500 का, एक 3950, एक 4200 का, एक 3600 का। पेडिस्टल फ़ैन मिलाया था 2700 रुपये का। एलईडी लाइट 180 रुपये की एक मिली थी मुझे, जो मैंने 5 लगाई हुई है 900 रुपये की। इन्वर्टर मैंने 1500 वाट का लगाया हुआ, जो मुझे सदर से 1500 रुपये का मिला था। ब्रेकर मैंने 2 लगाए हुए हैं, एक न्यू परचेज़ किया था मैंने 200 रुपये का, एक मैं कबाड़ी बाज़ार से लाया था 150 रुपये का। 2 चार्ज कंट्रोलर लगे हुए हैं, एक कंट्रोलर 1000 रुपये का पड़ा था, एक तक 1200 रुपये का। 2 बैटरी लगाई हुई है मैंने AGS की 100 एम्पेयर की, एक मुझे 7600 की पड़ी थी और एक 7800 रुपये की। इसके अलावा 32 32 मीटर मैंने वायर यूज़ की है 6 mm की सोलर प्लेटों के लिए, यानी कि 16 8 8 8 8 एक एक पैनल के लिए, 2 पैनल के लिए सॉरी। तो ये मुझे पड़ी थी 1440 रुपये की, 45 रुपये पर मीटर के हिसाब से। और 4 कॉइल मैंने लगाए हैं तकरीबन 33 मीटर के 4 कॉइल, जो मुझे 2800 रुपये के पड़े। एक एक कॉइल 700 रुपये का ऑटो केबल में लेके आया था 4 mm की, और एक देसी चार्जर लगा हुआ है 1400 रुपये का। तो इसका मैंने टोटल की रज़ा भाई पैनल के प्राइस लिखना मैं भूल गया था। मैं 2 सोलर पैनल मोनो लेके आया था 170 वाट, जो मुझे एक मिला था 4800 रुपये का बिस्मिल्ला मार्केट न्यू सब्ज़ी मंडी से। 2 मुझे मिले थे 9600 रुपये के। एक सोलर पैनल में लाया था एक साल पहले तकरीबन 150 वाट का मोनो 6100 रुपये का। एक सोलर में लाया था पोली 150 वाट का, जो मुझे मिला था 6200 रुपये का। तो ये मैंने ग्रैंड टोटल लगाया है 65840 रुपये, यानी तकरीबन 66 67 हज़ार रुपये का मेरा ख़र्चा बैठ गया है रज़ा भाई। बस यही था मेरा एक छोटा सा सिस्टम 640 वाट का। ख़र्चा तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन यह है कि मेरी लोड शेडिंग से जान छूट गई है। आखिर में आपकी बात रज़ा भाई के लोड शेडिंग से जान छुड़ाई है, अपनी बिजली खुद बनाई है, सोलर सिस्टम लगाई है। रज़ा भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरी पूरी दिन लाइट नहीं होती न्यू कराची में, तो सुबह से लेके सुबह तकरीबन 2 दिन पहले लाइट गई थी सुबह 4 बजे, और तकरीबन रात को 8 से 9 बजे के करीब आई। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन पांचों पंखे चलते रहे, मोबाइल भी मैंने चार्ज किए इस इन्वर्टर से, लैपटॉप भी चार्ज किया मैंने, और पेडिस्टल फ़ैन भी चलाया रात को 9 बजे तक के। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मेरी ज़बरदस्त चल रही थी। रात को 9 बजे पर लाइट आई, तो बैटरियों में थोड़ी चार्ज कम हो गई थी। तो ये देसी चार्जर है, इससे मैंने दोनों बैटरियों को चार्ज किया 3 3 घंटे तकरीबन। तो सुबह तक के बैटरियाँ भी मेरी चार्ज हो गई थी, फिर जब सूरज निकल आया तो मैंने चार्जर बंद कर दिया। फिर तो पूरा दिन, फिर मेरी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वापडे की लाइट ही मैं बंद कर देता हूँ और पूरा दिन सोलर पे ही मेरे पंखे चलते हैं। मगरिब के बाद फिर जो है ना, फिर वापडा स्टार्ट कर देता हूँ मैं। बस रज़ा भाई, यही थी एक जो आपसे शेयर करनी थी छोटी सी वीडियो। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो मेरे सिस्टम में, तो रज़ा भाई ज़रूर मुझे मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। बाकी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे उस्ताद हैं, आपसे ही मैंने सीख सीख के ये अपना छोटा सा सिस्टम लगाया है, ये आप देख सकते हैं। अगर कोई गलती मेरे सिस्टम में हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप भाइयों की इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई हुई होगी मेरी इस वीडियो से। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।